दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में समझेंगे। अवस्था का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तन, या फिर गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, या फिर ठोस से गैस और गैस से ठोस में किस प्रकार से अवस्था का परिवर्तन होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक अपने पानी का या फिर जैसे बर्फ जो है उसका उदाहरण मैंने दे रखा है। तो सबसे पहले जैसे ठोस जो है, जैसे पानी जो है बर्फ अवस्था में ठोस रूप में रहता है, तो इसको पानी में बदलने के लिए गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो बर्फ पानी में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि जब ठोस द्रव में बदलता है तो क्योंकि वो पिघलता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को पिघलना भी कहते हैं और इसे संगलन भी कहते हैं। संगलन। इसके बाद देखते हैं कि जब कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलता है तो इसके लिए उसे उस पदार्थ को और गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो वो द्रव से गैस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हमने पानी का लिया है कि पानी को जब हम और गर्म करते हैं तो एक समय आता है कि वो जल वाष्प के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जब द्रव से गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। अब देखते हैं कि कोई पदार्थ जब गैस से वापस द्रव में बदले, यानी कि जल वाष्प जो है वो पानी में बदल जाए, तो उसके लिए तापमान कम होने की आवश्यकता पड़ती है। तो तापमान कम होता तभी कोई गैस वापस द्रव में बदल सकता है, तो और उसके साथ में दाब भी बढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदलता है तो इसको संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर संघनन है और यहाँ पर संघलन है। तो संघनन का मतलब होता है कि जब कोई गैस द्रव में बदले, और संघलन का मतलब होता है कि ठोस का द्रव में बदलना। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए, यानी कि पानी से वापस उसको अगर हम बर्फ बनाना चाहें, तो उसके लिए हमें तापमान कम करने की आवश्यकता होगी, तो इस प्रक्रिया को हम जमना कहते हैं। जमना, या फिर इसको हिमीकरण भी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई पदार्थ जब ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में बदले बिना, तो इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इसका एक उदाहरण होता है कपूर। कपूर जो होता है, जब उसको हम जलाते हैं तो वह लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधा गैस में बदल जाता है। अब देखते हैं कि जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदले बिना सीधा वो ठोस में बदल जाए, तो इस प्रोसेस को हम निक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।